ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी भी इसमें सम्मिलित है। जब वो पद्मभूषण कह रहा है कि मैं इस्तीफा जब दूंगा, मुझे मोदी जी बोले पहलवानों का आंदोलन ना होके देश का आंदोलन हो चुका है। और आपके सामने बहुत ऐसे उदाहरण है जब जो घमंडी लोग जो भारतीय जनता पार्टी को फेंकना होगा, नहीं तो ऐसे कुलभूषण भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी बन जाएंगे। किसान आंदोलन के समय में भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप सभी जानते हैं कि एक महीने का समय बीत चुका है, एक महीना एक दिन आज हो चुका है। जो पहलवान यहाँ पर धरने पर बैठे थे वो धरना उसी तरीके से यहाँ पर जारी है, लेकिन जो दरकार है, जो वेट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है इंसाफ का। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है वो सुनाएंगे आपको। इस खबर को अंत तक जरूर देखें। क्या नाम है आपका? मैं बीरबल चौधरी, राजस्थान जाट महासभा प्रदेश महासचिव, राजस्थान से, मैं जयपुर से हूँ। तो आप लोग जो है इन प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स है, इन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं? हम सब लोग बहन बेटियों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं तन मन धन से। अभी विडम्बना देखिए, नाम है लोकतंत्र का, ये है रावण तंत्र। जब अपने सेलिब्रिटी जो पर वर्ल्ड फेमस है उनको न्याय के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा हो, ये बहुत बड़ी सरकार गूंगी बेरी हो चुकी है। इसको जगाने के लिए जैसे भगत सिंह ने धमाके किए, वैसे पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को धमाके करने पड़ेंगे। और जो आदमी खुलेआम ये बोल रहा हो मीडिया पे, टीवी पे, कि मैंने एक मर्डर किया, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री गूंगे बेरे थोड़ी है, क्यों नहीं संज्ञान लेके स्वतः उनके इस खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और 20 साल की सजा उसको मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि वो शख्स जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो BJP से सांसद है, इस वजह से जो कार्रवाई नहीं हो रही मामले में? हाँ जी, इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही उस पे। यहाँ पर पूरी मीडिया का जमावड़ा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब है, प्रधानमंत्री को दखल देके इनको जल्दी से जल्दी इसको अरेस्ट कराना चाहिए, नहीं तो संसद का हम घेराव करेंगे। 28 तारीख को जयपुर से हमारी पूरी महिलाएं आएंगी, गाड़ियां भर के आएगी। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से FIR भी सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद की जाती है, उससे पहले FIR तक नहीं लिखती दिल्ली पुलिस, क्या लग रहा है आपको, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है दिल्ली पुलिस के ऊपर? हाँ जी, ये पॉलिटिकल प्रेशर है, तभी तो नहीं हुई है, नहीं तो एंड टू एंड होती है फटाफट। और ये कानून पर तमाचा है, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR दर्ज हुई है, ये बहुत बड़ी मतलब हमारी तोहीन है ये। और महिला के तौर पर अगर इस तरीके के वाकयात सामने आएंगे तो आखिर कोई लड़की कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे कोई परिवार की माँ अपने बच्चों को आगे भेजेगी? इस तरह से नहीं भेजेंगे, हमारे राजस्थान में तो इन लड़कियों को देख के अभी खेलने के लिए भेज रहे थे, लेकिन अब इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनकी FIR दर्ज नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, तो अब हम क्यों नहीं भेजेंगे समाज? आपको प्रधानमंत्री यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं, स्मृति ईरानी जो कि महिला विकास के लिए काम करती हैं वो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई बयान नहीं आता है, कोई जवाब नहीं दिया जाता है इन रेसलर्स के ऊपर? ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी भी इसमें सम्मिलित है। जब वो पद्मभूषण कह रहा है कि मैं इस्तीफा जब दूंगा, मुझे मोदी जी बोले, जो मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में सबको पता लग गया वो मोदी जी पे डाल रहा है, तो मोदी जी क्यों नहीं इस्तीफा लेते भाई? मोदी जी की सह है, या तो ऐसा लगता है या तो मोदी जी ने सह दी होगी। जब FIR दर्ज करना की तो एक दायित्व है, ये उसमें मूल अधिकार में आता है, और जब FIR दर्ज हो गई, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में एक एक महीना थोड़ी लगता है उसमें, और जब पॉक्सो एक्ट में तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, फिर तो इसमें स्मृति ईरानी और मोदी जी, पूरी BJP सरकार सम्मिलित है। लेकिन अभी तो कह रहे हैं ना, पहले उस लड़की के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, कहीं वो बालिक ना हो, अगर बालिक होगी तो पॉक्सो एक्ट हटा दिया जाएगा। पॉक्सो एक्ट हटा दिया जाएगा तो, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, अभी इसमें क्या है, इसके जो भी इन्वेस्टिगेशन करने एक महीना थोड़ी लगता है, जो जब आप दूसरी कोई भी लगता है तो आप एक मिनट, अभी संप्रदायिक रंग होता, कोई मोमडन होता, दूसरा को कांग्रेसी होता, कोई कम्युनिस्ट होता, तो उसको एक मिनट में आप इस्तीफे के लिए खुद ही चूड़िया तोड़ने स्मृति ईरानी आ जाती, और ये अमित शाह भी वो धरना प्रदर्शन दे देते, अब कहाँ चले गए ये लोग, इनकी नैतिकता नहीं है। लग रहा है आपको जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है कहीं ना कहीं? आपके सामने स्पष्ट है, ये आंदोलन एक पहलवानों का आंदोलन ना होके देश का आंदोलन हो चुका है। और आपके सामने बहुत ऐसे उदाहरण है जब जो घमंडी लोग जो अपने घमंड में इतने चूर हो जाते थे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो आसाराम हुए और दूसरे संत महात्मा हुए जिन्होंने कुकर्म किए, वो जेलों के अंदर रहे हैं। मेरा दावा है कि ये शख्स भी जेल की सलाखों के पीछे बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि ये आंदोलन एक किसी एक पहलवान का नहीं है, ये देश का आंदोलन है, देश के आंदोलन के सामने
सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन आपको लग रहा है एक महीना बीत चुका है, उस शख्स के ऊपर अब तक आंच नहीं आ पा रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, कैसे चलेगा ऐसे? आपने क्वेश्चन किया लोकतंत्र कहाँ है, लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या किसी को FIR दर्ज करने के लिए धरने पर बैठ रहा है? वो लोकतंत्र होता तो वो तो अपने सारी न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है कि मैंने मर्डर किया, इसे अब लोकतंत्र कहाँ बचा? आप देखिए प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है, ऊपर ब्रजभूषण इतना बड़ा है उससे प्रधानमंत्री, उसे गृह मंत्री डरते हैं। सरोज नालिये को संज्ञान लेना चाहिए ऐसे आदमी के, तो लोकतंत्र नहीं तो खतरे में है। थोड़ी बहुत आशा बची है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से बची है, चंद्रचूड़ साहब से, और बाकी लोकतंत्र नहीं बचा है यहाँ। आपको लग रहा है किस तरीके से ये जो मामला आ रहा है इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? जिस तरह से माहौल ये पूरा क्रिएट हो रहा है तो मुझे लग रहा है जब हमको एक तरफ इंसाफ नहीं मिलेगा तो जो दुर्गा है ना वो एक दिन काली का रूप लेके अपना बदला खुद लेना, महिषासुर की तरह ब्रजभूषण शरण सिंह को वो अपना बदला लेके दिखाएगी जरूर। सर आपको लगता है कि इस तरीके से जब रेसलर्स के साथ ऐसा हो रहा है, इन लोगों को दुनिया जानती है, मेडल लेके आ चुके हैं, ओलंपिक्स जीते हुए लोग हैं, उन्हें यहाँ पर इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, अगर किसी आम इंसान के साथ ऐसा कुछ मामला पेश आता तो उनको इंसाफ मिलने में कितना टाइम लगता है या मिलता ही नहीं? भारतीय जनता पार्टी सत्ता को पाने के लिए ऐसे ही निर्भया जैसे कांड या किसी भी दलित पर कोई अत्याचार होता था, किसानों की मांग के लिए, जातिवाद आरक्षण के लिए, किसानों की दुगनी आय के लिए, छात्रों को रोजगार देने के लिए, कितने झूठे सपने दिखाए, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी नक्सलवाद के नाम पर, कभी भारत चीन के नाम पर। सत्ता में आ गई जो पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह के नाम पर वोट मांगती थी, लोगों ने समझ लिया कि अब तो रामराज आने वाला है। इसके बजाय उल्टा क्या हुआ है, पिछले साल आपने देखा होगा हाथरस में एक दलित लड़की को बलात्कार किया, जिंदा जलाया, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे नेता जयंत चौधरी जी वहाँ पे गए, उन पर भी लाठीचार्ज किया। जो भी इस भारतीय जनता पार्टी का नेता दबंग बाहुबली है वो बलात्कार भी कर सकता है, दूसरी पार्टी पर अगर आरोप भी लगा दो, अगर किसी मुस्लिम का नाम भी झूठा ले दो तो उसका बुलडोजर चल जाएगा, उसका घर गिर जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, मुद्दा है इंसानियत का है, मुद्दा है इस भारत की एकता के लिए। जब हमारे देश में अंग्रेज भी नहीं थे, ये संविधान भी नहीं था, मुगल भी नहीं थे, ये हिंदू भी नहीं थे, वैदिक काल आर्य काल में जब खाप चौधरी ही समाज के लिए चरित्रवान बहुत ही अच्छे अपना संविधान बनाते थे, आज उन खाप चौधरी की पगड़ी को भी अपमान किया गया। सतपाल मलिक से मिलने के लिए जब हम गए थे हम सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा एक जाल है। आज मैं दिल्ली में रुका था, मैं उत्तर प्रदेश बागपत का रहने वाला हूँ, कि मैं जागरण अखबार पढ़ रहा था, जागरण अखबार में जंतर मंतर की कोई इतनी भी हेडिंग नहीं, इतना भी हेडिंग नहीं, लेकिन एक लड़का देहरादून का या उत्तरांचल का कहाँ का है, वो जयपुर में कहाँ से किसी लड़की को उठा लिया, वो मनोज नाम बनाता है वो मुस्लिम है, ऐसे मुद्दों को उठाएंगे। और क्या आपको लग रहा है कि जो असल मुद्दे उन्हें भटकाने के लिए या तो हिंदू मुसलमान कर दो या कोई और मुद्दा उठा के ले आओ ताकि इन सबसे ध्यान बढ़ जाए जनता का? बिल्कुल, असल मुद्दा तो ये है कि हमें हिंदू मुस्लिम नहीं, अगर कोई गलत काम करता है कानून के दायरे में उसको सजा दीजिए, उसका पूरा घर क्यों गिरा रहे हैं? अगर अपराधी को सजा देना है तो क्या ब्रजभूषण का घर गिराया है अब तक? अरे पद से भी नहीं हटाया, वो खुलेआम जनसभाएं कर रहा है और लोग इतने अंधविश्वासी हैं उसके समर्थन में भी घूम रहे हैं। आज भारत की ताकत जाट राजपूतों में भी नफरत पैदा करने के लिए जातिवाद का जहर घोल दिया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने जो छात्रों को कहते थे छात्र रोजगार मांगते हैं या कोई मांग उठाते हैं कि टुकड़े टुकड़े गएंगे, मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी ही टुकड़े टुकड़े गएंगे। आतंकवाद को सह देना, अगर पुलवामा हमले के बारे में सतपाल जी नहीं बोलते तो लोग नहीं समझते। मैं तो 40 साल फौज में नौकरी किया है, मैं तो कहता हूँ हर आतंकवाद घटना के पीछे, हर नक्सलवाद के पीछे, हर जातिवाद झगड़े के पीछे किसी न किसी नेता या राजनीतिक पार्टी का हाथ है। और ये तो हमारे सतपाल मलिक जी ने सिद्ध कर दिया है। पुलवामा हमला, उसके कुछ दिनों बाद लोकसभा 2019 का चुनाव हुआ था, उससे पहले बिहार की जो चीन का बॉर्डर था वहाँ पे एक बटालियन के पेट्रोलिंग पर हमला किया गया, उसको बिहार के का चुनाव मुद्दा बना लिया, जबकि उसमें पूरे बिहार के सैनिक नहीं थे, एक ब्रिगेड की टोली थी जो कि हर जाति धर्म अलग अलग प्रदेश के वहाँ पे सैनिक थे, लेकिन ये जातिवाद और क्षेत्र दिखा करके लोगों को गुमराह करके सत्ता पाना चाहते हैं। मैं तो जनता से अपील करता हूँ, प्लीज़
भारत को बर्बाद होने से बचा लीजिए। इस भारत को बर्बाद करने वाली राजनीतिक झूठी भारतीय जनता पार्टी के इस चुंगल से निकलिए। किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, छात्रों को जो सातरे के चलती है, जो उनका हक देती है और जो आंदोलन करने पर, कोई मांग उठाने पर उनको दमन नहीं करती, आतंकवाद नहीं कहती, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहती, सम्मान करती है, उस पार्टी को सब जानते हैं। छोटी छोटी पार्टी भी अपने लालच छोड़ करके अभी मौका आ गया है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी को फेंकना होगा, नहीं तो ऐसे कुलभूषण भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी बन जाएंगे। बहुत ही खूब बात कही है आपने। हालांकि अच्छा लग रहा है देखकर कि जनता धीरे धीरे इन मुद्दों को समझ रही है। आप यहां पर आए हैं, क्या लगता है आपको, कब तक इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। पता नहीं, ये तो अभी लंबा चलेगा मैडम, लंबा आंदोलन चलेगा। गुंडागर्दी दिखा रहे बीजेपी वाले, बताओ बलात्कारी को अभी तक घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। टेस्ट क्या करा रहे सब ऐसे ही है। टेस्ट तो माना नहीं जाएगा, महिला को टेस्ट माना जाएगा, वो उसका टेस्ट का माना जाएगा, उसका तो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं होगा। किस का ऑर्डर होगा उसका टेस्ट लग रहा है। आपको बस मुद्दे को घुमाने की कोशिश की जा रही है, रोजाना कुछ हो रही है, खुलेआम घूम रहा है। लग रहा है आपको कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए? अगर यही अपराध किसी और ने किया होता, ये इल्जाम किसी और पर लगता, तो जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं वो अलग होती। वो अलग होता, फट कोई और कोई करता तो ऐसा काम तो फट पुलिस अंदर कर देती। इसको राजनीति के चक्कर में नेता बना हुआ अपना, वो बीजेपी का बंदा है। लग रहा है आपको कि उन्होंने खुले तौर पर कहा था, प्रधानमंत्री या कोई भी उन्हें कह दे अगर पद से इस्तीफा देने के लिए तो वो दे देंगे, तो यहाँ पर गलती आप किसकी देख रहे हैं? प्रधानमंत्री की देख रहे, गलती तो प्रधानमंत्री की, उसको पता है मेरा गला अपने बंदों की बचाव कर रहा है। ये मैडम जी, अगर प्रधानमंत्री कोई क्राइम कर दे और वो आईपीसी के अधीन हो, क्या प्रधानमंत्री पे कार्रवाई हो या नहीं हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपर लीडर ऑफ इंडिया। भारत का संविधान जो है ना, वो सबसे बड़ा नेता है। और डेमोक्रेसी में हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। आईपीसी की जो धाराएं हैं वो सबके लिए बराबर हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो क्राइमर लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं, क्रिमिनल हैं। पीछे कृषि मंत्री था, किसान आंदोलन पर बैठे, जिप्सियों से रौंद दिए। हरियाणा में भी एक खेल का मंत्री है कोई, उसका भी यही आचरण है। यहाँ ये इसको देख लो, ये देश जो है डेमोक्रेटिक है या यहाँ जो है तानाशाही है? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है लोकतंत्र है या तानाशाही है? मैं एक बात खोलना चाहूँगा यहाँ। ये कहते हैं भाई सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, डंडोरा पीटते हैं। लेकिन जो बेटियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, इनकी जवाब जो बात नहीं कह सकी, आवाज जो बात नहीं कह सकी, इनकी आंखों से बहती हुई आंसू धारा ने वो कह डाली, और वो बातें देश की तमाम जनता ने समझ ली। अब ये लड़ाई केवल बेटियों की इनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की करोड़ों बहन बेटियों की लड़ाई है। और ये धर्मयुद्ध है, पूरा देश इसमें शामिल है। सरकार जो जुमले या पैतरे बगाना चाहती है कि एक प्रदेश, एक उसका, एक जाति का आंदोलन, सरकार के कान पे जू ही नहीं रेंग रही। सरकार के कान में जू खूब रेंगेंगी। किसान आंदोलन के समय में भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी, लेकिन सरकार के मुखिया ने देश से माफी मांगनी पड़ी थी। और ये मामला रोटी का नहीं है, ये बेटी का मामला है। इस देश का कल्चर रहा है, ये दुर्गा का देश है, लक्ष्मी का देश है, सरस्वती का देश है, जहाँ पूजा और वंदना की जाती है, उनके अस्तित्व और इज्जत की लड़ाई है। इसके ऊपर जो है यहाँ गर्दनें कटाई जाती हैं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कह लीजिए, जो सवाल आपके सामने रखने जा रही हूँ, वो सवाल मेरा नहीं, वो सवाल यहीं पर मौजूद एक शख्स ने मुझे कहा। इन लोगों ने कहा कि मैं आप लोगों से पूछूं कि जब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम के साथ इस तरीके का दिल्ली पुलिस का बर्ताव सामने आता है कि गर्दन पकड़ कर उन्हें घसीटा जाता है, वो वीडियो भी वायरल हुआ है, आपने देखा होगा, लेकिन जब बात आती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके ऊपर इस तरीके के जो मामलात सामने आ रहे हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि उसने यौन शोषण किया है, पॉक्सो एक्ट भी यहाँ पर देखने को मिला है जिसके अंतर्गत 24 घंटे के भीतर उस आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी तो दूर की बात है,
यहाँ पर पुलिस खंगाल रही है सबूत के वो लड़की 17 साल की यानी कि नाबालिग है भी या नहीं, कहीं वो लड़की 18 साल की ना हो, बालिग ना हो, ये सबूत खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधी जो यहाँ पर इन लोगों की नज़र में अपराधी है बृजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर से पॉक्सो एक्ट जो है हटा दिया जाए। अब इस सिचुएशन में क्या ही कहने को बचता है, आप लोगों के सामने पूरी सिचुएशन पेश कर दी गई है। यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ओलंपिक जीता है, देश में हमारा नाम रोशन किया है, प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो जरूर खिंचवाते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर प्रधानमंत्री का घर है, लेकिन उनके पास जो है समय नहीं है यहाँ पर आकर इन लोगों से मिलने की। मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन इन लोगों की मन की बात शायद उन्हें सुनाई नहीं दे रही। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी इस मामले को लेकर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।